Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto का रास्ता. Winners, इस वीडियो के अंदर ट्रेंडिंग कैटेगरी में जो लेयर वन ब्लॉकचेन इस टाइम पर चल रही है सोलाना और सोलाना इकोसिस्टम के बारे में, जो स्पेशली मीम क्वाइन है, क्योंकि इस टाइम पर आपने देखा है कि जब भी हम लोग सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना इकोसिस्टम इस टाइम पर सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है. और कहीं ना कहीं पर सोलाना इकोसिस्टम में जो मीम क्वाइंस हैं, उन मीम क्वाइन का एक बहुत बड़ा आज की डेट में रेवोल्यूशन बन चुका है. अगर मैं स्पेशली सिर्फ सोलाना की बात करूं तो आज से लगभग 1.5 साल पहले सोलाना $10 के आसपास आ चुका था, और अगर आप आज की डेट में बात करें तो USD में सोलाना $171, और वो तो तब है जब क्रिप्टो मार्केट पिछले 2 दिन से डाउन हो चुकी है. बिटकॉइन 61,000 या 60,000 के स्लैब पर डाउन आ चुका है. उसके बाद सोलाना भी इस टाइम पर आपको $171 का दिख रहा है. अदरवाइज सोलाना $200 के स्लैब को भी ब्रेकआउट कर चुका था. इट मींस कहीं ना कहीं पर जब बिटकॉइन स्पोर्ट ETF और बिटकॉइन हॉल्विंग, जो अगले महीने एक मेजर इवेंट है, उसके बाद से क्रिप्टो मार्केट में हम जो बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से सोलाना के अंदर भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बन जाता है. लेकिन इस वीडियो में सोलाना इकोसिस्टम के कुछ ऐसे मीम कॉइन की बात करते हैं जिनकी मार्केट कैप एज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स अभी लो है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है बुल रन में. सोलाना इकोसिस्टम में इस टाइम पर अगर मैं टॉप के 3 प्रोजेक्ट की बात करूं, वो मीम नहीं है, मीम के अलावा एक अच्छे सस्टेनेबल मूवमेंट है, जिसमें पहला बनता है चेनलिंक. बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से. अगर आप ओवरऑल रैंक चेक करें तो 15 रैंक का प्रोजेक्ट. उसके बाद टॉप 30 क्रिप्टो में रेंडर क्वाइन एंड देन AI रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट द GRT. इसके साथ साथ अगर आप लोग AI का कोई एक नया प्रोजेक्ट देख रहे हैं या कोई और अच्छा प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो यहां पर फेच AI भी एक अच्छी चॉइस बनता है. अब हम बात करते हैं सोलाना के मीम क्वाइन. मीम क्वाइन के साथ साथ आपको सोलाना का जो डेक्स है, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सोलाना बेस्ड, उनके ऊपर भी फोकस करना है. तो 3 टॉप चॉइस बनती है. रेडियम डेक्स है, ऑटोमेटेड मार्केट मॉडल है, मार्केट मेकर मॉडल बोलते हैं. डेक्स एग्रीगेशन की बात करो तो जुपिटर एक टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट बनता है. और तीसरा अगर डेक्स की बात करो सोलाना बेस्ड, तो वो बनता है ओर्का. ओर्का, जुपिटर और रेडियम, ये 3 एक टॉप मोस्ट चॉइस बनती है डेक्स की फॉर्म में सोलाना में. और उसके बाद अगर आप लोग AI की बात करो तो GRT, और कहीं ना कहीं पर जो दूसरा चॉइस है वो फेच AI है. लेकिन फेच AI इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलाना इकोसिस्टम, बट सोलाना इकोसिस्टम के 2 प्रोजेक्ट चेनलिंक और रेंडर बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर है. बट अब हम बात करते हैं कुछ मीम कॉइन. रिसेंटली बात की जाए डॉग विफ हैट विफ प्रोजेक्ट. मार्केट पे अगर आप जाते हैं तो बाइनेंस पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है. एक ऐसा मीम क्वाइन जो अपने अर्ली स्टेज में कुकॉइन, HTX, Gate.io, बाइनेंस, क्रैकन पर ऑलरेडी लिस्टिंग में आ चुका है. अगर अब ये प्रोजेक्ट क्वाइन बेस की लिस्टिंग में आता है जहां पर 100 मिलियन यूजर है और 100 मिलियन US बेस्ड यूजर है, तो कहीं ना कहीं पर विफ जो है वो आने वाले बुल रन में आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है. ये सोलाना इकोसिस्टम का इस टाइम पर सबसे टॉप मोस्ट मीम क्वाइन चॉइस बन चुका है. इसके बाद आप बात करें 2023 का रेवोल्यूशनरी मीम प्रोजेक्ट बोंक. अब बोंक प्रोजेक्ट जो है, बोंक प्रोजेक्ट के बिल्कुल अगर आप अबाउटर सेक्शन में आते हैं, मैंने ऑलरेडी बोंक के ऊपर काफी वीडियोस भी बनाई हैं, एक बार आपको फिर बता देता हूं. बोंक पहला डॉग थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है. आप जैसे जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में POW या मीम रेवोल्यूशन की बात करो तो डॉज कॉइन से स्टार्ट हुई, डॉग रेवोल्यूशन का पहला प्रोजेक्ट. उसके बाद डॉज में शिबा, देन फ्लोकी आया, बेबी डॉज आया, डॉजिलोन मार्स आया, किशु इनु आया, ये सब डॉज थीम बेस है. लेकिन एक ट्रेंडिंग कैटेगरी सोलाना इकोसिस्टम में अगर हम डॉज बेस्ड कैटेगरी की बात करें, डॉज थीम बेस्ड प्रोजेक्ट की बात करें, तो जो पहला डॉज थीम बेस है वो बनता है बोंक. ओके, अब बोंक में क्लियर इंडिकेटर है कि बोंक ने स्टार्टिंग में ही जो सोलाना कम्युनिटी है, 50% जो टोटल सप्लाई है वो एयर ड्रॉप किया था सोलाना कम्युनिटी को. और जैसे जैसे सोलाना इंप्रूव होता है तो जो बोंक का मेन जो गोल है वो यहां साफ मेंशन है, द मेन गोल ऑफ द टीम इज टू ब्रिंग बैक लिक्विडिटी टू सोलाना बेस डेक्सेस. मतलब जैसे जैसे सोलाना इंप्रूव होता है और बोंक इंप्रूव होगा तो जो लिक्विडिटी है वो डेक्सिस के अंदर डाली जाती है. मतलब कहीं ना कहीं पर बोंक के बढ़ने से सोलाना बेस्ड डेक्सिस स्ट्रांग होती हैं और सोलाना के इंप्रूवमेंट से बोंक के अंदर भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता है. अब कहीं ना कहीं पर NFT कलेक्टर्स, डेवलपर्स, आर्टिस्ट के लिए ये प्रॉपर एक रैंडमली एयरड्रॉप किया गया है सोलाना बेस्ड. तो सोलाना इकोसिस्टम में जो पहला डॉग थीम है वो लिक्विडिटी की वजह से,
या डेक्सिस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की वजह से, या रैंडमली पूरी की पूरी सोलाना कम्युनिटी के डेवलपर्स आर्टिस्ट या फिर एनएफटीज आर्टिस्ट को एयरड्रॉप करने की वजह से बोंक हम लोगों को बहुत एक इंप्रूवमेंट बेस्ड पहला डॉग थीम बेस्ड सोलाना प्रोजेक्ट बन गया। अब अगर सोलाना को हम बुलरन में $500 का एक्सपेक्ट करते हैं तो क्लियर इंडिकेटर है कि बोंक भी हम लोगों को नेक्स्ट बुलरन में बहुत बड़ा रिटर्न डेफिनेटली देगा ही देगा। अब यहीं पर दो प्रोजेक्ट हो गए। तीसरा अगर हम किसी मीम कॉइन की बात करें तो बुक ऑफ मीम, ऑलरेडी आप जानते हैं बाइनेंस पर बोम की भी लिस्टिंग हो चुकी है। मार्केट सेक्शन में अगर आप देखें तो बाइनेंस में बोम की भी लिस्टिंग आ चुकी है। अब ये भी क्या है, ये एक सोलाना बेस्ड प्रोजेक्ट है, इट्स लाइक पैप कॉइन, ठीक है। मतलब डॉग थीम में आप बोंक समझे, पैप की थीम में आप बुक ऑफ मीम समझ सकते हैं। तो बोम की ऑलरेडी लिस्टिंग और बोम में भी काफी अच्छा रिटर्न। अब ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोगों ने अभी तक बोम को नहीं लिया तो बोम के आप इस प्रॉपर जो मतलब रिटर्न निकला है उससे मतलब आप रह गए हो। कई लोग सोचते हैं ना कि यार हम लोगों को अर्ली में बाय करना था। मेरे हिसाब से अगर हम लोग बुलरन को देख रहे हैं तो बोम भी इस टाइम पर एक टॉप मोस्ट च्वाइस बनता है, क्योंकि अभी तो इसकी मार्केट कैप क्या है, सिर्फ कुछ भी इसकी अभी अगर आप कंपेयर करो तो 53 मिलियन की मार्केट कैप, कुछ ज्यादा मार्केट कैप नहीं होती है। तो बोम भी मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है अगले बुल रन में। सोलाना का ही पहले दो प्रोजेक्ट, पहले तीन ऑलरेडी, विफ, बोंक और अब बात करें बोम। उसके बाद आए तो सोलाना इकोसिस्टम में एक और नया मीम कॉइन प्रोजेक्ट जिसने लास्ट 7 डेज में 30% का पंप दिया है, सेलरफ। अब ये देखिए सेलरफ की बात करें, सेलरफ की अगर आप लोग मार्केट सेक्शन में चलते हैं जो ऑलरेडी 72 रुपीज का है, मीम कॉइन है, उसकी अभी तक बाइनेंस में लिस्टिंग नहीं हुई है। इवन उसकी कहीं ना कहीं पर अभी कूकॉइन में भी लिस्टिंग नहीं है। और अभी तो जो सोलाना इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आप मीम की बात करो चाहे आप लोग बाकी भी प्रोजेक्ट्स की बात करो, तो वो प्रोजेक्ट अभी तो बायबिट में भी लिस्ट होना स्टार्ट नहीं हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट तो कूकॉइन में भी नहीं आए हैं। तो अभी तो इनकी लिक्विडिटी और इंप्रूव होनी है और ये जितने मीम कॉइन अगर बाइनेंस में आए तो डेफिनेटली बायबिट में भी आने हैं और कॉइन बेस भी एक रास्ता बनता है। तो ये जो टॉप के आपको चार इस टाइम पर चॉइस दिख रही है सोलाना इकोसिस्टम बेस स्पेशली मीम कॉइन, तो ये मेरे हिसाब से अभी और अच्छे बढ़ सकते हैं आने वाले बुलरन में। आगे आते हैं, अगर हम लोग और कुछ चेक करें तो ट्रंप मागा रिसेंटली क्या कहते हैं सोलाना इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट और बहुत बढ़िया रिटर्न। वैन कॉइन की बात करें ये भी स्मोग। उसके बाद आप और थोड़ा सा नीचे आइए, स्टार एटलस। मैंने 2 साल पहले स्टार एटलस पर वीडियो बनाई थी, स्टार एटलस ने अब जाकर हमें एक अच्छा रिटर्न दिया है। और हम नीचे आते हैं थोड़ा सा लो कैप की तरफ चलते हैं, सोलामा 4 रुपीज का है, 48% ऑलरेडी डाउन है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सोलाना इकोसिस्टम में सोलामा की भी बनती है। अब सोलामा में अगर आप लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो अब यहां पर देखिए एमईएक्स इस टाइम पर और बिटमार्ट जो है वो सेंट्रलाइज ऑप्शन बन चुके हैं। अदरवाइज आप लोग फैंटम वॉलेट में इजिली डेक्स रेडियम को यूज करके या ओरका को यूज करके या जुपिटर को यूज करके, जुपिटर में भी है तो जुपिटर, ओरका या रेडियम, इनमें से किसी भी एक डेक्स को यूज करके फैंटम वॉलेट में भी सोलामा कॉइन को इजिली बाय करके रख सकते हैं। तो अभी तो यहां पर आपको और जब आप डाउन में आएंगे तो कई सोलाना बेस मतलब लो कैप के मीम कॉइन दिखते हैं, बट सभी मीम कॉइन पर भी ट्रस्ट मत करना क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब 95% तो प्रोजेक्ट स्कैम के लिए होते हैं। अब यहां पर एक डीएफएल देखिए, उसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, मीम कॉइन की चॉइस करनी है दोस्तों तो इस टाइम पर देखिए सोलाना इकोसिस्टम में इतने सारे प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हम लोग टॉप के 5 पर भी ध्यान दें, ठीक है, जैसे पहला बोम पर ध्यान दे, विफ पर ध्यान दे, बोंक पर ध्यान दे, सेलरेफ पर ध्यान दे और उसके बाद ये ट्रंप है, चलिए तो 400 रुपीज के पोटेंशियल पे हो चुका। अगर आपको ये नहीं लगता तो उसके बाद थोड़ा सा और नीचे है, स्मोक आ चुका है, स्मोक के बाद आप स्टार एटलस भी देख सकते हैं, स्टार एटलस के बाद आप नीचे हैं तो रेन कॉइन देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग और थोड़ा सा नीचे आए तो किन एक अच्छा ऑप्शन बनता है और बहुत अभी लो कैप का प्रोजेक्ट है। अगर किन पे जाते हैं 569 इसका रैंक है और अभी आई थिंक ये $5 मिलियन के आसपास की इसकी मतलब लो कैप है अभी। तो अल्टीमेटली ये ऐसी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर सोलाना इकोसिस्टम में क्लियर इंडिकेटर के साथ दिखाई दे रही है। अब कंडीशन सिर्फ ये है कि बुलरन में सोलाना 400-500 के स्लैब को ब्रेकआउट करे, जो कहीं ना कहीं पर एक काफी अच्छी उम्मीद में बन चुका है क्योंकि अभी तो बिटकॉइन हॉल्विंग नहीं हुई है, क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा बुलरन स्टार्ट नहीं हुआ है और ऑलरेडी सोलाना $200 के स्लैब पर आ चुका है। इससे तो साफ पता लग रहा है कि बिटकॉइन के साथ साथ अगर मई और जून में इथेरियम का भी स्पोर्ट ETF अप्रूव हो जाता है तो थर्ड और फोर्थ चॉइस BNB और सोलाना बनता है।
अब बीएनबी और सोलाना के प्राइस में ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप है, तो क्लियर मेरे हिसाब से समझ आ रहा है कि $500 का स्लैब ब्रेकआउट करना सोलाना के लिए बहुत ईजी होगा फरवरी 2025, एक बहुत बड़ा बुलरन का टाइम पे अगर हम एक्सपेक्ट करें। तो अगर $500 के स्लैब को सोलाना ब्रेकआउट करता है तो सोलाना के जो मीम कॉइन है, सोलाना इकोसिस्टम के जो मीम कॉइन है, उसमें अगर आप सिर्फ टॉप 10 पर फोकस करें तो आपको वो सभी प्रोजेक्ट मिनिमम 15-20x की अच्छी रिटर्न दे सकते हैं आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर, हो सकता है 8 से 12 महीने के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट अपडेट अबाउट सोलाना इकोसिस्टम। बट यस, प्लीज कीप इट इन माइंड, यू आर इन द हाईली वॉलाटाइल मार्केट, सो प्लीज इफ यू वॉन्ट टू बाय, इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड, इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, प्लीज डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।